आपने हाल ही में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई पंजाबी में, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नचण वालिया के पुत्र, तहरीक इंसाफ के। तो ये आपको लगता है कि दुरुस्त लफ्ज़ था, या इनको जेब, ये लफ्ज़ आपको जेब देता है इस तरह? देखो जी, मैंने ये अल्फाज हकीकतन सोच समझ के बयान किए। उसकी ठीक वजह एक कि आपने जब नारा लगाया ना जिहाद का, तो एक मुकद्दस फरीजा है, फिर आज़ादी, फिर मैं अगर इनको ये ना कहूँ तो फिर मैं मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी को क्या कहूँ, फिर मैं सदरुद्दीन आज़ुर्दा को क्या कहूँ, मैं इमाम फजल ख़ैर आबादी को क्या कहूँ, मैं हसरत मोहानी को क्या कहूँ, मैं उनको क्या मानूँ। और जनाब ये फिर वो तसलसल 1947 से 1857 से 1900 अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और ये भाई आज़ादी और जंग और जिहाद करना हक के ख़िलाफ़, एक है इकतदार के लिए चंद दिन में नशे में रहना, और फिर वो जब सेटिंग हो गई आपने यार देखा ही है ना, वह हमारी कौन सी बात गलत साबित हुई है। वो इसलिए कहा है कि आपने कहा अमरीका साइफर ये वो, फिर नीचे उतर के फिर आज सेटिंग नहीं हो गई, बात आज तो सफीर घर आ जा रहे हैं, हमारी तस्वीरें गलत फोटोशॉप करके गर्दनें लगा कर कहा ये सफीरों से मिल रहे हैं, आज तो सरेआम बिल्कुल घर ऐसा वाले भी है, मिलवाए जा रहे हैं। बिल्कुल। ये हाँ जी वो ये कहा ये रफीक किसी और का है, इसे ताड़ता कोई और है, बिल्कुल तो बस ठीक। ये बात है।